वीडियो के थंबनेल में आप लोगों ने देखा कि जीरो कॉस्ट एक्वेरियम ग्लास क्लीनर के बारे में मैं आज डिस्कस करने वाली हूँ। जी हाँ, आपने सही देखा एंड सही सुना, मैं आज डिस्कस करने वाली हूँ ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में जो हमें आसानी से मिल भी जाएगा, जीरो कॉस्ट भी होगा, जीरो कॉस्ट या फिर थोड़ा सा कॉस्ट आप बोल सकते हो, एंड उसके साथ आप बहुत अच्छे से काम भी कर पाओगे जो आपके एक्वेरियम के लिए सेफ भी होगा। तो इतना सब कुछ आपको मिल जाएगा जीरो और चीपेस्ट से चीपेस्ट कॉस्ट में। पेट इन्फोवैक्स चैनल में आप सभी का स्वागत है। देरी ना करते हुए चली जाती हूँ वीडियो के मेन पार्ट पे। चलो देखते हैं कौन सा चीज जो आपको आसानी से मिल भी जाएगा और आपके टैंक के लिए बहुत अच्छा रहेगा क्लीनिंग के हिसाब से। उसके साथ ये भी आपको याद दिला देती हूँ कि मेरा जो चैनल है वो नया है, प्लीज इसको सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करके डेफिनेटली बताओ कि आप कौन सा एक्वेरियम क्लीनिंग टूल यूज करते हो। आज का जो वीडियो है इसको मैं दो पार्ट में डिवाइड करके डिस्कस करूंगी। आज मैं डिस्कस करूंगी कि कौन सा टूल्स है जो आपको मिल जाएगा इजिली, जैसे मैंने बोला जीरो कॉस्ट। इसके बाद मैं डिस्कस करूंगी ग्लास क्लीनिंग के ऊपर ही एक वीडियो में, जिसमें मैं बोलूंगी डूज एंड डोंट्स, कौन सा चीज आपको करना नहीं चाहिए, कौन सा चीज आपको करना चाहिए। डेफिनेटली एक्वेरियम क्लीनिंग के पहले ये देख लो, स्पेशली जो बिगिनर्स है उनको जरूर देखना चाहिए ये वीडियो। डेफिनेटली नेक्स्ट डे आने वाला है, उसको भी डेफिनेटली देखो, तभी जाके आपको ग्लास क्लीनिंग का एकदम क्लियर एक पिक्चर आपको मिल जाएगा। सबसे पहले मैं बोलने वाली हूँ जिसके बारे में, वो भी आपको घर में मिल जाएगा, वो है स्पंज। अभी आपको समझ में आ रहा है स्कॉच ब्राइट के पीछे जो स्पंज मिलता है, आई गेस ये 25 के आसपास कुछ आएगा। इससे बहुत अच्छे से आप क्लीन कर सकते हो, लाइक देखो इसको ऐसे आप लेके पूरा ग्लास को क्लीन कर सकते हो। अभी मेरे पास कुछ है नहीं, ये जो क्लीन करके ये जो चीज आया इसको डेफिनेटली आप बाहर जाके इसको निचोड़ लो, क्योंकि इसको अंदर में मत करो तो ये क्या होगा, जो गंदगी आपने ग्लास से क्लीन किया वो एक्वेरियम के अंदर फिर से चला जाएगा। नेक्स्ट वन इज न्यूज़पेपर। ये तो सीरियसली जीरो कॉस्ट है, ये तो सबके घर में मिल जाएगा। देखो इसको ऐसे फोल्ड कर लो अच्छे से, ये देखो ये अच्छे से आपका जो टैंक है उसके अंदर भी अच्छे से क्लीन करेगा। अगर इसको आप बाहर ऐसे निचोड़ लोगे, ये थोड़ा गीला होगा तो ये जो टैंक का बाहर का एरिया है इसको भी बहुत अच्छे से क्लीन करेगा। हाँ, थोड़ा वाटर का जो है स्पॉट रहेगा, उसको आप किसी भी कॉटन क्लॉथ से बाद में जाके उसको पोंछ सकते हो। नेक्स्ट वन इज माइक्रोफाइबर क्लॉथ। ये आपको किचन क्लीनिंग का जो क्लॉथ है वही अगर आप बोलोगे, आपको शॉपिंग मॉल पे किसी भी मार्केट में नॉर्मल मिल जाएगा। ये मेरे को आया 3 का जो पैक है, ये 99 में आया, यहाँ पे 199 लिखा हुआ है, बट ये आपको ऑफर दे के 99 में आ जाएगा। ये बहुत अच्छा चीज है, ये एकदम नया वाला है। देखो इससे आप इसका टेक्सचर देख लो, इससे थोड़ा रफ है बट स्टिल ये बहुत सॉफ्ट है। रफ किस लिए है, क्लीन करके जो मैल है उसको खींचने के लिए रफ है, बट ये एक्वेरियम के अंदर कोई स्क्रैच नहीं डालेगा। आप देख सकते हो मैं इसको बॉडी में बहुत अच्छे से रब कर सकती हूँ। इसको भी अंदर डाल के, अगर आपको ये साइज में बड़ा लग रहा है तो इसको आप कट करके ले सकते हो, अंदर में डाल के इसको बहुत अच्छे से रब करके आपका एक्वेरियम आप जो है क्लीन कर सकते हो। इससे आप एक्वेरियम का बाहर भी बहुत अच्छे से क्लीन कर सकते हो। नेक्स्ट वन इज टिश्यू। सबके घर में होता है, जो आप टॉयलेट में यूज करते हो उसी टिश्यू को आप ले सकते हो, उससे आप बहुत अच्छे से अंदर बाहर सारा एरिया क्लीन कर सकते हो। ये भी ऑलमोस्ट जीरो कॉस्ट होगा। अगर आपके पास नहीं है तो इसका एक डब्बा आप लेके आ सकते हो। नेक्स्ट मैं जिसके बारे में बात करने वाली हूँ, आपको यहाँ पे फोटो मिल रहा होगा, स्पंज शीट वाइप्स। ये भी आपको नॉर्मल शॉपिंग मॉल में मिल जाएगा, किसी किसी नॉर्मल थोड़ा मॉडर्न शॉप होगा स्टेशनरी टाइप का, वहां भी आपको मिल जाएगा। ये किस चीज के लिए यूज होता है, किचन का जो फ्लोर होता है, आई मीन जो जहां पे आपका गैस रहता है वो जो फ्लोर होता है उसको क्लीन करने के लिए आपको ये स्पंज वाइप्स मिल जाएगा। इससे भी आपका काम बहुत अच्छे से हो जाएगा, स्टिल बाहर थोड़ा जो है पानी का स्पॉट रहेगा। इसको आप नॉर्मल ऐसे एक क्लॉथ से क्लीन कर सकते हो, अगर आपके पास कॉटन का क्लॉथ है उसे भी आप क्लीन कर सकते हो। नेक्स्ट ये आने वाला है मेरा ग्लास क्लीनिंग के ऊपर नेक्स्ट वीडियो, प्लीज उसका वेट करो, डेफिनेटली उसको भी देखो। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।